नोएडा उत्तर भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा एक आधुनिक शहर। ये शहर जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। राजधानी दिल्ली से सटा जिला होने के कारण इस क्षेत्र का भविष्य देखते हुए यहाँ इस नए आधुनिक शहर को विकसित किया गया है। यह शहर दिल्ली की सैटेलाइट सिटी के रूप में दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्लांट सिटी का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नोएडा अपने IT पार्क, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय और मनोरंजन के अनेकों साधनों की वजह से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां UP 16 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए आप भारत के सबसे हरे भरे साफ सुथरे शहर नोएडा की धरती पर कदम रख चुके हैं। ये आधुनिक नगर समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर करीब 203 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार नोएडा नगर 6,37,000 की जनसंख्या के साथ भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की लिस्ट में 71वें नंबर पर आता है। ये नगर बहुमंजिला इमारतों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जनसंख्या घनत्व 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नोएडा में मौजूद इमारत सुपरनोवा स्पाइरा उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी बिल्डिंग है, जो लगभग 80 मंजिला इमारत है और 980 फुट ऊंची है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर शहर है। ABP न्यूज का बेस्ट हाउसिंग सिटी का खिताब भी नोएडा शहर को मिला है। नोएडा को मध्यम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे साफ सुथरे शहरों में पहले नंबर पर रखा गया है। वही शहर का 50% इलाका हरे भरे पेड़ों और पार्कों से भरा हुआ है, इसलिए इसे भारत का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी माना गया है। 88% साक्षरता दर के साथ ये शहर उत्तर प्रदेश का सबसे शिक्षित शहर है। यूं तो इस शहर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग यहां 90% से अधिक जनसंख्या के साथ बहुसंख्यक आबादी का निर्माण करते हैं। नोएडा में देश के सबसे ज्यादा मीडिया संस्थानों के कार्यालय मौजूद हैं। ऊंची इमारतों के मामले में भी नोएडा मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आता है। शहर की साफ सफाई, देखभाल और संस्थाओं को चलाने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा आमदनी इस शहर को टैक्स इकट्ठा करने से मिल जाती है। नोएडा अथॉरिटीज ने करीब 3,500 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं। इस शहर की ज्यादातर कमाई बिल्डर्स से प्राप्त होने वाले टैक्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स से होती है। अभी अथॉरिटीज के पास इतना पैसा जमा है जिससे इस पूरे नगर की व्यवस्था को 5 साल तक बिना टैक्स लिए चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो Explore YRS को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद Explore YRS।